कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिपाही भर्ती पर जो कि मेरिट बेस पर कराने का फैसला लिया था अखिलेश यादव जी की सरकार ने, उस पर से रोक हटा ली गई है। जी हाँ दोस्तों, रोक हटा ली गई है और अब ये भर्ती जल्द ही कंप्लीट की जाएगी। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कोर्ट चले गए थे, उनका ये मानना था कि ये भर्ती को जो मेरिट बेस पर कराया जा रहा है, मेरिट बेस पर ना करा करके एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वजह से इस पर रोक लगी हुई थी और अब ये रोक हट गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर पुलिस बोर्ड चाहे तो इस पर परीक्षा करा भी सकता था और नहीं भी करा सकता। तो दोस्तों ये कोई अवैधानिकता नहीं है, संविधान के अंतर्गत ही आता है कि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में दोस्तों शारीरिक दक्षता के आधार पर भी भर्ती की जा सकती थी। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था और जिनका मेरिट में नंबर आ गया था। तो दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। और दोस्तों अब टाइम है हमारे कुछ क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन होता है हर वीडियो में जो मैं लास्ट में पूछता हूँ, इसका जवाब आपको देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन आज का ये है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किन्होंने किया था। दोस्तों पहला ऑप्शन है अरबों ने, बी ऑप्शन है यूनानियों ने, सी ऑप्शन है रोम वासियों ने और डी ऑप्शन है चीनी वासियों ने। तो आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और दोस्तों अपना जवाब देना है। अगला बता देता हूँ मैं, जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब सही क्या है। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो दोस्तों गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोकर्णी, कोकर्णी गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी एक्टिव कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर